हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल KGM ग्रुप पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से संस्था प्रधान महोदय द्वारा सभी जो कार्मिक हैं उनका मास्टर डाटा ई साइन की सहायता से, डिजिटल सिग्नेचर की सहायता से किस प्रकार से वेरीफाई होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की लेटेस्ट जानकारियों के लिए बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। तो दोस्तों, वित्त विभाग द्वारा एक ऑर्डर जारी कर दिया गया है, एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार सभी DDO को, सभी संस्था प्रधान महोदय को अपना डिजिटल साइन, डिजिटल सिग्नेचर DSC तैयार करवा करके उसको सब ट्रेजरी में रजिस्टर करवाना होगा और उसकी जो लास्ट डेट है वो 10 फरवरी तय की गई है। तो उससे पहले सभी संस्था प्रधान महोदय को ये काम करना है। साथ में दूसरी चीज इसमें ये लिखी हुई है कि समस्त जो आरण वितरण जो अधिकारी है द्वारा मास्टर डाटा की जो जाँच की जाएगी और उसमें जो शुद्धियां हैं वो करेक्शन की जाएगी, अशुद्धियों को करेक्शन किया जाएगा, उसकी जो लास्ट डेट है वो 28 फरवरी 2020 निर्धारित की गई है। इस डेट तक सभी कार्मिकों को अपना जो नाम है में जो भी करेक्शन करने हैं अपने डाटा में, अपनी इन्फॉर्मेशन में, वो 28 फरवरी 2020 तक उन सभी डिटेल्स को अपडेट कर लेना है। उसके बाद में ही आप जो तय किया गया है वित्त विभाग द्वारा जो भी हमारा डिजिटल सिग्नेचर से पेमेंट बनने वाला है उसी के बाद वो पेमेंट हमारा बनेगा। तो ये डिटेल हमें वेरीफाई करनी है। तो ये डिटेल किस प्रकार से वेरीफाई करनी है हमें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें सबसे पहले हमारे पे मैनेजर पर लॉगिन होना होगा। जैसे कि आप गूगल पर देख रहे हैं, पे मैनेजर डालेंगे और पे मैनेजर पर डालने के बाद में जैसे ही मैं पे मैनेजर पर क्लिक करूँगा तो इस तरह से लॉगिन पेज आपके सामने खुलने वाला है। इसमें आप नीचे गोले के निशान में देखेंगे फॉर DDO, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ दिखाई देंगे। आपको DDO का यूजर नेम और पासवर्ड डालना है और नीचे DDO सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्लिक कर देना है लॉगिन पर। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो एक ये सिस्टम का एक मैसेज आपको दिखाई देगा, इस बॉक्स को आपको टिक करना है और नीचे टेक टू मेन साइट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पर्सनल जो DDO का लॉगिन है वो हो जाएगा और इस तरह से हमारे सामने होम पेज दिखाई देने वाला है पे मैनेजर का। तो यहां पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, मास्टर है, बिल प्रोसेस है, ऑथोराइजेशन है, रिपोर्ट्स है। तो हमें सभी जो कार्मिक हैं उनका जो मास्टर डाटा है वो ई साइन की सहायता से DDO स्तर पर वेरीफाई करना है और DDO स्तर पर वेरीफाई करके उन सभी का जो डाटा है HOD के पास हमें फॉरवर्ड करना है। तो इसके लिए आपको ऑथोराइजेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप ऑथोराइजेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से मेन्यू खुलने वाला है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने ऑथोराइजेशन पर क्लिक किया तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें आपको जो आपका ऑप्शन दे रखा है उसमें वेरीफाई एम्प्लॉय डिटेल आपको क्लिक करना है। यहाँ पर वेरीफाई एम्प्लॉय डिटेल पर आप जैसे ही वेरीफाई एम्प्लॉय डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके जितने भी कार्मिक हैं उन सभी का नाम आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है और प्रत्येक कार्मिक के सामने आपको इस तरह से चार ऑप्शन दिखाई देंगे, डाउनलोड्स, साइन, व्यू और फॉरवर्ड। तो प्रत्येक कार्मिक का आपको यहाँ से जो मास्टर डाटा है वो डाउनलोड करना है, कार्मिक को चेक करवाना है और जब वो अपनी ID से कोई भी करेक्शन है तो उसके लिए वो आपको फॉरवर्ड कर देगा, उसको आपको वेरीफाई करना है और उसके बाद में यहाँ से साइन करना है। ये साइन होंगे, ई साइन होंगे, डिजिटल साइन होंगे उस मास्टर डाटा पर और उसके बाद में यहाँ आप व्यू भी कर सकते हैं कि आपने जो साइन किए हैं वो हुए हैं या नहीं। डिजिटल साइन आपको यहाँ पर करने हैं वो आप देख भी सकते हैं और देखने के बाद में जब आप आश्वस्त हो जाएं कि आपके जो ई साइन है वो हो चुके हैं, इसका मतलब DDO द्वारा वेरीफाई कर दिया गया है, उसके बाद आपको प्रत्येक कार्मिक का मास्टर डाटा यहाँ से फॉरवर्ड कर देना है और ये फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद ये HOD के पास जाएगा और वहाँ से ये जो मास्टर डाटा है वो वेरीफाई होना है, उसी के बाद सभी कार्मिक का पेमेंट बनने वाला है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। जय हिंद, जय